उज्जैन के चीमनगंज मंडी में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के शुभारंभ में कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे। कृषि मेला लगाने का उद्देश्य लोगों को नई तकनीक पहुंचाना व शहर में फैल रहे रासायनिक कारण जहर को रोकना है। मेले में नई नई टेक्निक की कई चीजें व जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित भी किया गया। संस्था उड़ान के द्वारा उज्जैन की कृषि उपज मंडी में भव्य कृषि मेले का आयोजन किया गया है। मेले का शुभारंभ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ द्वारा दीप प्रज्वलित कर कृषि मेले का शुभारंभ किया गया। सभी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने के लिए यह आयोजन किया गया है। नए स्रोत की जानकारी का आदान प्रदान हो सके इसके लिए यह मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में आधुनिक मशीन ट्रैक्टर ड्रोन और हार्वेस्टर कृषि यंत्र और उन्नत बीज कैसे उत्पन्न करे उसकी एग्जीबिशन लगाई गई है। युवा उड़ान का यह चौथा आयोजन लोगों के स्वस्थ भोजन देने के उद्देश्य से किया गया है। युवा उड़ान के संयोजक गोविंद गोदारा ने बताया कि नो कृषि तकनीक प्राकृतिक खेती जैविक उत्पादन और आकर्षक सम्मेलन किया जा रहा है। नई खेती में रोडवेटर ड्रोन हार्वेस्टर की प्रदर्शनी मेले में लगाई गई है। कम समय में किसान अधिक उत्पादन ले सके। पहले अधिक समय तोशी में लगता था, वहीं लोगों की थाली से रसायन मुक्त भोजन देने का प्रयास भी किया जा रहा है। देखो ये 3 दिवसीय कृषि मेला 27, 28, 29 को है। इसमें नव कृषि तकनीक प्राकृतिक खेती जैविक उत्पादन और कृषक ध्यान सम्मेलन, मतलब इसमें यह है कि नव कृषि अभी चाहे ड्रोन हो चाहे कल्टीवेटर हो रोटोवेटर हो आजकल एडवांस हार्वेस्टर आ गई है, इन सब की मशीनरी की प्रदर्शनी है। कैसे किसान कम समय में अधिक उत्पादन ले सके और समय ना बिगड़े। पहले होता था कि बहुत अधिक समय हमारा खेती में जाता था। इसी तरह बहुत सारे हम देखते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति आज कैंसर की मौत मर रहा है, कैंसर के कारण मर रहा है। तो उसका कारण है कि हम जहर मुक्त जहर युक्त यानी रसायन युक्त भोजन का सेवन कर रहे हैं। तो इसीलिए वो किसान जो जैविक उत्पादन कर रहे हैं उन सबको हमने निःशुल्क मंच दिया है। वो अपनी प्रदर्शनी लगाई है। साथ ही प्रदर्शनी लगाने के पश्चात शहर के लोगों को ये मिलेट्स और जैविक उत्पाद खिला रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, हम चाहते हैं कि समाज के थाली में जहर मुक्त भोजन पहुंचे। जो अभी हम जहर युक्त भोजन कर रहे हैं इसी उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। और संस्था युवा उड़ान ये लगातार चौथा मेला कर रहा है। इससे पहले हम इंदौर भोपाल और देवास के हाटपिपलिया में किया था। इसी क्रम में आप सभी बंधुओं के सहयोग से और किसानों के लिए हमने आपके चिमनगंज मंडी में इस तरह का मेले का आयोजन किया है। किसान मेला बहुत भव्य, हमारे गोविंद गोदारा और हमारे भारतीय किसान संघ के सहयोग से ये संपन्न हो रहा है, जिसमें किसानों को नई तकनीक की जानकारी प्राकृतिक और जैविक खेती का उत्पाद जो उसको बेचने के लिए ताकि उसको रेट अच्छे मिले। दूसरा नई नई ड्रोन आ गया है, ड्रोन से सिंचाई हो सकती है, दवाई छिड़ सकते हैं, खाद छिड़ सकते हैं, बाकी नई नई मशीनरी आई है वो किसान देखे ताकि उसकी खेती करने में उसको सुविधा हो और उत्पादन बढ़े। अच्छी अच्छी बीज कंपनियां बीज कैसा है वो सब सीखें, हमारे कृषि वैज्ञानिक भी उनको प्रशिक्षण दें। जो किसान अभी भी जैविक खेती कर रहे हैं उन्हें निःशुल्क मंच दिया गया है। उन्होंने यहीं पर प्रदर्शनी भी लगाई है। संस्था उड़ान का मुख्य उद्देश्य समाज की थाली में जहर मुक्त भोजन पहुंचाने का है। संस्था उड़ान का यह चौथा कार्यक्रम उज्जैन में है। इससे पूर्व इंदौर हाटपिपलिया और भोपाल में कृषि मेले का आयोजन किया गया है। उज्जैन से मृदुभाषी प्रदेश के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।